नाम दिया जाएगा। बेटी तुम मेरे साथ चलो, चलकर आराम करते हैं। अजय प्रताप सिंह ध्यान देते रहना, कहीं जल्लाद गद्दारी न कर जाए। मंत्री जी इस कमीने को छोड़ना नहीं, इसे इसकी आंख और कलेजा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मंगाना, क्योंकि मैं इन्हीं पैर से मस लूंगी। ए जल्लाद कहिए महामंत्री, क्या कहना चाहते? इसे ले जाओ, इसे ले जाओ किसी भी आवान जंगल में। बियान नहीं साले, फैसान जंगल में ले जाओ। हराम जाते इसका आंख, दोनों आंख महाराज के हुक्म अनुसार, दोनों आंख और श्याम सिंह का कलेजा महाराज के समक्ष पेश किया जाए। ले जाओ, मैं चल रहा हूं। या भगवान, तूने आज कैसा दिन दिखाया है भगवान, मुझको किस जन्म का ये सजा दे रहा है भगवान। भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा, भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा, जिंदगी यही है तो है जिंदगी बेटा, जिंदगी यही है तो है पहले तूने खुद हद कर लिया, पर्यावरण को बचाया, कितना पार सफाया। भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा, जिंदगी यही है तो है अरे शंकरगढ़ वालों, मंत्री अजय प्रताप सिंह नाम है। मैं एक ना एक दिन महाराज शंकर सिंह के खानदान को तिनके की तरह बिखेरूंगा, उसके बाद ये शाही नृप सिंहासन पर ये मंत्री अजय प्रताप सिंह जिस दिन बैठेगा, इस शंकरगढ़ की सारी संतलत पर हुकूमत करेगा। सार दोखी जौन जौन बोलत है तौन जहरे बोलत, कहिल खोपड़ी से खोपड़ी बनी, इन खोपड़ी मां मत भेट, और सबकी खोपड़ी में देवता बस गए, यही के बस गए परेट। बता भला
राजकुमारी जी का फुसलाए बदगाए के समझाए बुझाए के आज श्याम सिंह भैया की आंखें कलेजा निकालने के महाराज जी वादा कर दिए। महाराज जी जरा से भी नहीं सोचे क्या हमारा बेटा ऐसा कर सकता है, लेकिन जब जय मां भवानी साथियों, जय मां भवानी साथियों, जय मां भवानी, जय मां भवानी की। आज मेरे दोस्त हम तुम अपने अपने अड्डे पर तैनात, कहा है कि जिसमें हिम्मत है, जिसमें हिम्मत है हर मौसम के सितम सहता है, जिसमें हिम्मत है हर मौसम के सितम सहता है, पत्ते गिर जाते हैं पेड़ खड़ा रहता है, रहता है। तो दोस्तों ये मंदिर है, ये मस्जिद है, ये मंदिर है, ये मस्जिद है, यहां माफी दिलाया जाता है, वहां रिश्वत नहीं चलती, यहां सर झुकाया। तो दोस्तों हमारे सरदार डाकू सुल्तान सिंह का आने का वक्त हो गया है, तो अपनी अपनी जगह पे साथियों अलर्ट हो जाओ ताकि अपना सुल्तान का आने का समय हो गया है। आप लोग जानते हैं ये बिहार सुल्तान सिंह का है, इस बिहार में डाकू सुल्तान सिंह के सिवा किसी का दबदबा नहीं है। नहीं मेरे सरदार, इन बिहड़ों में रहने वाला एक म्यान में दो नहीं और जंगल में एक से दो भी शेर नहीं, एक ही शेर रहेगा, वो भी मेरा सुल्तान। तुम जानते हो जिस बेटे को मैं पाल पोष कर बड़ा किया है, आज मेरा बेटा जवान हो गया है और उसका नाम हमने जग्गा रखा है, और मेरा बेटा जग्गा आज 21 वर्ष का हो चुका है और जीवन में सदा एक ही बात मुझसे पूछता चला आया है, पिताजी मेरी माँ कहाँ है, मैंने आज तक उसे जवाब नहीं दे पाया। जाओ मेरे बेटे चक्का से बोलो कि तुम्हारे पिताश्री तुम्हें याद कर रहे हैं। ठीक है सरदार, मैं चक्का को अभी बोलूंगा और आपके समक्ष पेश करूंगा। पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। बाबूजी के
अरे खुशी रहो मेरे बेटे जग्गा की हाँ खुशी रहो फूलो फलो मेरे दिल के पिताजी तुम्हें बुलाने का मेरा एक प्रश्न है उसका उत्तर तुम्हें देना है। वो कौन सा प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? मैं ये जानना चाहता हूं कि एक बेटे का फर्ज अपने पिता के प्रति क्या होता है। पिताजी आप सिर्फ यही सवाल पूछना चाहते हैं पिता के प्रति बेटे का हर्ज क्या होता है। गलतियों को क्षमा करना पिताजी, मैं तो यही सोचता हूं कि अगर पिताजी कुछ कहें तो उनके वचनों का पालन करना चाहिए और हां उनके बताए हुए रास्तों पर चलना चाहिए, यही मैं समझता हूं पिताजी। मैं जानता हूं शेर की कोख में शेर ही जना है और तेरा बाप एक शेर है। क्यों नहीं पिताजी? हाँ भीमा जग्गा को आज हम एक ड्यूटी सौंपते हैं, हमारी राइफल इन्हें दे दो। बेटे जग्गा मैं कुछ काम के लिए शंकरगढ़ जा रहा हूं। ठीक है पिताजी। शंकरगढ़ में मुझे आज बहुत जरूरी काम है। ठीक है पिताजी। किसी ने मेरा इंतजार कर रहा है। ठीक है पिताजी, आप जा सकते हैं। इस कबीले की जिम्मेदारी ये जग्गा सिंह उठाएगा। पिताजी जाओ, हो सके तो बीहल पार करते समय रेलवे स्टेशन को ध्यान धर लेना, माल पानी मिले लूट लेना। ठीक है, लेकिन किसी गरीब को नहीं सताना। अमीर का धन लूटना, गरीबों में दान बांटना, ये हमारा धर्म है। और कोई इंसान मुसीबत में हो उसकी मदद करना। ठीक है पिताजी। जा सकते हैं। ये सरदार जी, आज हम सम्राट शंकर सिंह से मिलना चाहते हैं क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं और दिन के दिन शंकर ही याद आ रहा है। मैं जब तक शंकर सिंह को
इस धरती पर नष्ट नाबूद ना कर दिया, अपनी पत्नी का बदला ना ले लिया, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। जय मां भवानी, जय मां भवानी। चौरन के मांदी खुली है का यार, लेकिन चलो कोई बात नहीं है, चलते हैं और खोज करते हैं कि कितने चूरी चोरी इकट्ठा हुई है। लेकिन चलते वक्त आप लोगों के बीच कहना क्या है, कहीं जब से मोबाइल चली गए कुछ दुनिया सुधर गए और कुछ दुनिया बिगड़ गए। मोबाइल का टाला पड़ोसिन के दई दियो या दोस्तन के दई दियो, लेकिन मेहरिया का भूल में मोबाइल कबो न दियो। ये हमारे पेटी मास्टर, इनके जिंदगी झंड हो रही खाली लकड़ी, खाली लकड़ी खरबोटे खरबोटे। ये बिचारू हारमोनिया बजा बजा के पैसा को उन्हीं तरह इकट्ठा करी एक थी स्क्रीन टच मोबाइल खरीद डाल। जब तक का ये लिहे रहे तब तक का एक को फोन नहीं आवत, एक को मिस कॉल नहीं आवत रही। जब से इनके मेहरारू के पास मोबाइलवा सार छुट्टी नहीं पावत। तो मरने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि तू ऐसा काम कर रहा है कि तेरी गलती को सजाए तुझे वही मिलना। कभी कोई बहन अपनी भाई से अपने कलाई में राखी नहीं बांधती। भैया तुम अपने दिल से सोचो कि भला कोई अपनी बहन के साथ ऐसा घिनौनी हरकत कर सकता है। तू सबके सामने पकड़ा गया है, इसलिए अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। नंबर एक, तो मेरे जल्ला दू बहुत खबरदार चला जल्ला।
कहिए तुम इसके इसको किसके आर्डर से मारने जा रहे हो? आखिर इसने किया क्या है? इसको मैं मारने महाराज के हुक्म से जा रहा हूं। इसने बात सुनोगे तो तुम्हारे कलेजे कांप जाएंगे। ए ढल्लाक, बात सुनने का मुझे समय नहीं है, इसे छोड़ दो नहीं तो गोली खाओगे। ऐसे कैसे छोड़ दूंगा इसे? हमार जल्लाद का काम तो यही है, क्योंकि महाराज ने मुझे कहा है इसके आंखें और इसका कलेजा निकाल के लाओगे तो मुझे बहुत भारी इनाम मिलेगा। जल्लाद, मेरी बातों को सुनो। तुम्हें महाराज ने कितना इनाम देने के लिए कहा है? 10,000। जल्लाद, तुम इसे छोड़ दो, मैं भी तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। और हाँ, रह गए कलेजे और आंख की बात, तो किसी के आंखों पर और कलेजे पर किसी का नाम नहीं लिखा रहता है। जाओ जंगल में किसी हिरन या शेर का शिकार करो, आंख और कलेजा जाके महाराज को पेश कर दो। ठीक है, आपकी बात मैं मानता हूं कि मैं किसी हिरन या कोई चीज का महाराज के सामने पेश कर दूंगा। मुझे रुपया 10,000 चाहिए। खोल दो हथकड़ी। आप जा सकते हैं। ठीक है, हम जा सकते हैं। हम किसी हिरन या कोई जानवर को मारकर उसकी जगह मैं उसे पेश करूंगा। जा सकते हैं। कहो नौजवान, क्या कहना चाहते हो? मैं तुमसे कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हो? मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक दिन की बात है, मैं कॉलेज से पढ़कर अपने राजमहल आया था। हाँ? और उसी वक्त मेरी बहन ने मुझको अपने कमरे में बुलाया और बुलाने के बाद वो मुझसे बहकी बहकी बातें करने लगी। तो मैंने उससे कहा कि देख, मैं तेरा भाई हूं और तू अपने भाई से ऐसी घिनौनी बात कर। फिर क्या हुआ नौजवान? फिर उसके बाद उसने मेरी एक भी ना मानी और वो मुझे जबरदस्ती करने लगी। लाख कोशिश करने के बाद भी मैं उसकी बातों में नहीं आया। उसने मुझे बहुत मारा, बहुत मारा। उसके बाद उसने मुझे अपने ऊपर खींच कर गिरा दिया और इतने में ही मेरे पिताजी आ गए और उन्होंने भी मुझे बहुत मारा और मुझे इस जल्लाद के हाथ से सौंप दिया और कहा कि इसको ले जाओ, इसको मार कर इसकी आंख और कलेजा निकाल कर मेरे सामने पेश करो। लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? और कि आप कौन हो मेरी जान बचाने वाले? क्या
जल्लाद से छुड़ा ले वाले। क्या मैं जान सकता हूं कि आप मेरी जान बचाने वाले कौन से फरिश्ते हो? हाँ, मैं ही बताऊंगा। और नाम जगा है मेरा और सुन ले तू जवान, मेरा नाम जग्गा है और मेरे पिताजी का नाम सुल्तान सिंह है, जो कि इस बिहार में तहलका मचा देने वाला डाकू सुल्तान सिंह है। लेकिन जग्गा भाई, आपने मुझे क्यों बचाया? मर जाने दिया होता। नहीं नौजवान, आओ मेरे पास है। ये मेरा फर्ज था लेकिन जो कि मैंने तुम्हें बचाया। मैं मानता हूं कि आपने मुझे बचाया है, लेकिन मैं अब कहां जाऊंगा? कौन है मेरा इस दुनिया में? नहीं, आप इतना निराश मत हो, आओ मेरे साथ चलो, मेरे साथ में रहो, हर संभव मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है, अगर आप ऐसा कहते हैं तो आज के बाद मैं आपके साथ रहूंगा। हाँ, आज से तुम मेरे दोस्त हो, और दोस्त वही होता है जो किसी न किसी समय अगर कठिनाई आ जाए तो एक दूसरे के सहायता कर सके। और हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? जग्गा सिंह। मेरा नाम श्याम सिंह है। श्याम सिंह, मेरी बात को सुनो, आज से तुम्हारा नाम श्याम सिंह नहीं बल्कि तुम कल्याण सिंह के नाम से मशहूर होगे। ठीक है मेरे दोस्त, आज से मर गया है श्याम सिंह, आज से मैं अपना नाम डाकू कल्याण सिंह रखूंगा। उस दुश्मनों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने मुझे राज दरबार से इस हाल में पहुंचाया है। हाँ श्याम सिंह, आओ मेरे साथ चलो। चलो आज से हम दोनों दोस्त हैं, एक दूसरे के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देंगे। क्यों नहीं मेरे दोस्त? श्याम सिंह, एक बात कहूं? क्या कहना चाहते हो? और मैंने पूछा।